अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई, इस वीडियो में हम अपने फॉलोअर लोग के लिए क्या दिखाने वाले हैं? इस वीडियो में हमारे फॉलोअर के लिए बेहतरीन दवाई जो है मुर्गियों की, जिसे जो बीमारी को CRD कहते हैं, CRD और कोराइजा। अच्छा, ये दो बीमारी है जो मुर्गियों को, ज़्यादातर मुर्गियों को फार्म पे जो मुर्गियाँ जो रहती है, हाँ, या घर में जो मुर्गियाँ पालते हैं, जो शौक करते हैं, उनके लिए ये दवाइयाँ हैं। कुराइजा करके जो बीमारी है जिसमें मुर्गी लटक जाती है। कुराइजा के लक्षण कैसे होते हैं? कुराइजा के लक्षण होते हैं आग सूझती है और मुर्गी हल्का लकवे में आ जाती है और ढीली पड़ जाती है मुर्गी। अच्छा, तो उसके लिए उसके लिए ये दवाइयाँ हैं। कुराइजा की एक दवाई है और दूसरी दवाई है CRD के लिए। अच्छा जी, तो ये जो दवाई है काय के लिए? ये जो दवाई है ये CRD के लिए, ये ट्रॉक्स पाउडर है। ट्रॉक्स पाउडर टाइलोसिन टेट्रेट करके ये इसमें ये है, इससे CRD का इलाज होता है। अच्छा हाँ, और ये जो है, ये जो दवाई है ये कॉस्यूमिक प्लस, हाँ, इससे डायरिया जो है, डायरिया होता है, हाँ, और ये CRD में भी थोड़ा बहुत काम आती है। अच्छा, CRD है, फिर उसके बाद जो जुलाब करती है, पतला जुलाब, उसमें काम आती है, फिर उसके बाद कोराइजा की बीमारी है उसमें काम आती है। ठीक है, ये दवाइयाँ, ये दवाई और ये दवाई, ये दोनों बहुत काम की दवाई है। ये CRD बोले तो एक तरफ से आग सूझ जाना, चेहरा सूझ जाना, CRD मतलब क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिजीज आती है, हाँ, गले में मुर्गियों को सांस लेने तकलीफ हो जाती है, जैसा मुंह खोलते हैं, खोल के सांस लेते हैं, हाँ, उसको रानीखेत का, हाँ, भी लक्षण है। रानीखेत का लक्षण, वो रानीखेत में बाद में जाती है, हाँ, CRD में आती है जो सर्दी, घट सर्दी हो जाती है, हाँ, तो घट सर्दी के टाइम पे अगर ये पिला दिया आपने ड्रॉप्स पाउडर, तो ये 3 दिन पिलाने से ये सारी सर्दी को निकाल देता है और मुर्गी को एकदम फिट कर देता है। अच्छा जी, अच्छी दवाई, मतलब हाँ, बहुत अच्छी दवाई, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, ये इसमें 90% रिजल्ट आएगा आपको। हाँ, तो आपने किए इसका? हाँ, मैंने ट्राई किया है ना, किए तभी तो बता रहे लोगों को ना, एक नहीं तो ये कंपनी हमारे रिश्तेदार की थोड़ी, जो हम इसका प्रचार करेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से भाइयों का फोन रहता है, कमेंट्स रहता है कि आरिफ भाई, जुनैद भाई, दवा के रिलेटेड बताओ, हमारे जानवर मर जा रहे हैं, ग्रीन लेटरिंग कर रहे हैं, वाइट लेटरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये वीडियो हम लोग इसीलिए आपको दे रहे हैं, हमारे MD आरिफ यूट्यूब चैनल पे आपको देखने मिलेगा, ताकि आप लोगों को एक अच्छी जो दवा के बारे में जो है मालूम हासिल हो, उसके रिलेटेड हम बता रहे हैं। ये एक बहुत बेहतरीन दवा है, ज़्यादा करके लोगों का आज मुँह खोल के ही जानवर सांस लेने से उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती, मर जाता है वो। उसके रिलेटेड हमने कई जगह पे रिसर्च किया, उसके बाद में ये दवा हमको पाई गई, तो हमने दवा का ट्रीटमेंट किया, इससे हमको रिजल्ट भी मिला है। हम जब दवा आपको बता रहे हैं तो ये समझो हम सोच समझ के बता रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का एक बहुत बड़ा असील का फॉर्म है, एक बहुत बड़ा हमारा सेटअप है, उसके बाद ही हम लोगों को बताते हैं। क्या होता है, किसी हमारे नए फार्मर या हमारे नए किसान भाई या हमारे नए पालने वाले, उनका नुकसान ना हो, उसके जानवर ना मरे, ऐसी हमारी सोच है, हम उसी रिलेटेड काम करते हैं, ताकि आदमी को सही रिजल्ट मिल सके। अक्सर ये होता है, लोग बीमारी का वीडियो, दवा का वीडियो बहुत कम देखते हैं और मुर्गी खरीदने वाला वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो मैं उनसे सजेस्ट करूँगा कि पहला आप दवा का वीडियो देखो और मुर्गी खरीदने वाला ज़्यादा मत देखो। जब आप दवा के बारे में सीख जाओगे तो आपको मुर्गी खरीदने में, पालने में आसानी होगी। नहीं तो अक्सर मैं देखता हूँ दवा के वीडियो में व्यूज़ कम होता है और मुर्गी में व्यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि आदमी सोचता मैं ले लूँ पाल लूँ, पर देखो जैसा हम है, हमको भी 6 महीने में थोड़ा सर्दी हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, इसी तरीके से जानवर का भी सेम सिलसिला लगा रहता है, कहीं ना कहीं वो भी बीमार होते हैं, उनके लिए भी हमको दवा की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बहुत सी जगह पर गाँव में डॉक्टर नहीं होते हैं, दूर दूर पे डॉक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के लिए दिक्कत होती है। इंसान के दिल में ख्याल क्या आता है, क्या मेरी 500 रुपये की तो देसी मुर्गी है, मैं अभी इधर इतना दूर जाऊंगा तो मेरा कितना खर्चा होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। शौक बड़ी चीज़ है, शौक को बरकरार रखो,
आपकी चीज 500 की हो या 200 की हो या 5000 की हो, अगर आपका जानवर बीमार है और आप मुर्गा मुर्गी से मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपको बोलूं आप ये चीज़ खरीद के अपने पास रख लो। मैं फिर बोल दूं इसका रिजल्ट अच्छा है, ये कंपनी कोई मेरे रिश्तेदार की नहीं है कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, या इससे कोई मुझे 1 रुपये की आमदनी भी नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया हूँ और मेरे को फ़ायदा भी पहुँचा है, जुनैद भाई को भी फ़ायदा इससे पहुँचा है। इसके लिए जुनैद भाई इसका प्रचार कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक एक अच्छी चीज़ मिल सके, है ना जुनैद भाई? सही बोला ना? सही बोला। कितनी भी महंगी रेंदो या कितनी भी सस्ती रेंदो, आप अपने जानवर को मरता हुआ नहीं देख सकते। एक अपने घर के अपने परिवार से जैसा एक लगाव होता है इंसान से, वैसी एक मोहब्बत जानवर से भी होती है हमको। इसके लिए हम उनकी सेवा करते हैं, उनको पालते हैं, उनको पूछते हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। सही बात है ना? जी सही। बोलो क्या बोल रहे थे? अब ये इसमें ये जो चीज़ है, अभी इसका डोजेज जो है, डोजेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जी। ये 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना रहता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, बराबर। उससे ज़्यादा उनको हैवी हो सकता है, हैवी हो सकता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, जैसे आपका 5 लीटर का ड्रिंकर है या 7 लीटर का ड्रिंकर है, तो लीटर के हिसाब से 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको मिला के देना जी। सेम ये पाउडर का भी, दोनों पाउडर फॉर्म में है, दोनों पाउडर फॉर्म में है, और ये पाउडर का भी सेम ये है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। हाँ भाई, और इसके साथ अगर आपकी मुर्गियों को विटामिन की कमी है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चालू करिए जी। वो कैसा मतलब क्या ना? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिक्विड आता है, पाउडर भी आता है, लिक्विड भी आता है, जैसा आप अभी अपने है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अभी पैकेट तो नहीं है। हाँ। लेकिन वो लिक्विड है, वो एक अलग कंटेनर में मैंने बनाया हूँ, ठीक है। तो वो जैसा एक 100 ग्राम का पैकेट आता है, और लिक्विड की भी बॉटल आती है। अगर 100 ग्राम का पैकेट है तो उसको 5 लीटर बना सकते हैं आप, और डेली अपने जानवरों को 15 से 20 ml पानी में मिला के, या तो इसके साथ जैसी अगर कॉस्मिक, अगर आपको आपकी मुर्गियों को कोराइजा बीमारी है तो ये पाउडर मिलाइए, अगर CRD है तो इट्रॉक्स पाउडर मिलाइए, उसके साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में दीजिए, तो आपकी मुर्गी जल्दी रिकवर हो। किसी के पास 1-2 है अपने असील शॉकिंग है, उनके पास में 2-4 पाल रहे, तो उनको कैसे देना है? उनको अगर मुर्गी अगर बी कॉम्प्लेक्स देना है तो जैसा अगर ये CRD है उनको, तो ये ट्रॉक्स पाउडर आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ही मिलाना है। वो उतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, जितना उसको पीना वो पिएगी, जितना पीना है पिएगी, और डेली फ्रेश वाटर दीजिए, डेली चेंज करके दीजिए। हाँ, बच गया तो उसको कल इस्तेमाल मत करो, इस्तेमाल मत करिए, डेली फ्रेश दोगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा जी। और बी कॉम्प्लेक्स का अगर कहा जाए, अगर 2-4 मुर्गी है तो बी कॉम्प्लेक्स की लिक्विड जो है वो डायरेक्ट मुंह में डाल दीजिए, 2-3 बूंद, तो उससे भी जल्दी फर्क पड़ेगा, है ना? हाँ सही है। तो जो जुनैद भाई एक बार अपना नंबर दे दो क्यों, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके। 9082922149, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी। अगर आप फोन नहीं उठा पाते तो लोग व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं ना। ज्यादातर मैं कॉल रिसीव ही करता हूँ, तो कॉल पे बात करोगे तो बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप पे बहुत टाइम पेंडिंग में पड़ा रहता है चैटिंग करने, डायरेक्ट कॉल पे बात करोगे तो बेहतर रहेगा। या आप अपन जहाँ से दवा बता रही है, अपना लोकेशन कौन सा? मुंबई है, ये मुंबई है, है ना जी? नहीं तो कोई बोले भाई यहाँ के इंजेक्शन मार दो, वहाँ के इंजेक्शन मार दो, इंजेक्शन वो सब नहीं है, वो सब नहीं। देखो खाली दवाइयों के बारे में बताते हैं, बाकी इलाज आपको खुद करना है। और अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो इस्तेमाल करो, आप अगर हमारी बात से सहमत नहीं हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से आके संपर्क कर सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। हम हमारे भाइयों के लिए बता रहे ताकि वो बेचारे जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ के लिए बता रहे, ताकि वहाँ उनको लंबा जाना ना पड़े, है ना? ठीक है जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप, हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, इस पे हम लोग आपको इसी तरीके से नई वीडियो देते रहेंगे। सुबह, अल्लाह हाफिज़।